मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप आज पावर एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए यहाँ इस टाइम पे पहुँचे हैं। आज का जो बर्निंग मुद्दा इस टाइम पे हमें आपके सामने सरकार के सामने लाने के लिए आनन फानन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी, क्योंकि इस टाइम आपको पता है बजट का सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी होने के नाते इस टाइम राज्यसभा में हमारा बजट जो है पेश किया जा रहा है और राज्यसभा में हमारी जो ग्रांट्स के ऊपर डिस्कशन हो रही है और इस टाइम पे हमारे पावर सेक्टर के लिए जो हमारी सैलरी के प्रोविजंस हैं, जो 30,000 मुलाजिम हैं उनकी सैलरी जो है स्टेक पे है, क्योंकि जो हमारे पावर डिपार्टमेंट की कॉरपोरेशंस में जो इसको अनबंडल किया गया और हमारे साथ ये वादा किया गया था कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं उन पे किसी भी तरह का इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपकी सैलरी जो होंगी इंसुलेटेड होंगी फ्रॉम ऑल प्रेशर्स। आज की डेट में ऐसा हो रहा है कि हमारी सैलरी जो है ग्रांट इन एड के माध्यम से हमारे तक पहुंचाई जा रही है और उसकी वजह से हमें काफ़ी डिले करना पड़ा। पिछले 1-1.5 साल में हमारे मुलाजमों को काफ़ी सफ़र करना पड़ा क्योंकि हमारी सैलरीज एक एक दो दो महीना डिले हो रही हैं और आज की डेट में फिर से बजट में ग्रांट इन एड के माध्यम से अगर हमारी सैलरीज को डिस्पर्स किया गया और हमारे और दीगर जो डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में एक डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, क्योंकि हमारे जो मुलाजिम हैं उनको पे सिस गवर्नमेंट ने एक पे सिस करके एक जो सिस्टम है उसके थ्रू सैलरीज डिस्पर्स करने का डिसीजन लिया था 2019 से, लेकिन हमारे को उससे वंचित रखा गया है और आज भी अगर आप देखेंगे हमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स देनी पड़ती हैं सैलरीज की भी और उसके बाद जाके गवर्नमेंट जो है हर महीने हमारा जो है ग्रांट रिलीज करती है। आप ये बताएं मेरे और मेरे परिवार का क्या कसूर है कि हमें अचानक से एक एक खैरात के तौर पर जो है किसी एक मदद के तौर पर एक जो है फंड्स रिलीज किए जा रहे हैं सैलरीज के लिए, जबकि ये हमारा मौलिक अधिकार है। हमारी अर्न सैलरी जो है रेगुलर बजट में जैसे कि बाकी मुलाजमों को दी जाती है और पेसिस के थ्रू दी जाए। मैं बार बार ये गवर्नमेंट से और मेहता साहब से चीफ सेक्रेटरी साहब से ये अपील करना चाहता हूँ, गवर्नर साहब से भी हम दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हमारे 30,000 मुलाजमों को जो बार बार सैलरी के लिए सफर करना पड़ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डिसबर्समेंट की डिले की वजह से और उसका रीजन है पेसिस में हमारा सैलरी ना आना। और मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूं कि हमें पे सिस के थ्रू सैलरी दी जाए और ना कि ग्रांट इन मोड के थ्रू। आप मुझे बताइए ऐसा कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जिसकी वजह से कि हमारी सैलरी को ग्रांट इन एड में डाला जाए। आपका एक फिक्स एक्सपेंडिचर है, रेकरिंग एक्सपेंडिचर है सैलरीज, जिसकी की यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के लिए बार बार हमारा छोटे से छोटा मुलाजिम जो है वेट कर रहा है सैलरी के लिए दो दो महीने। आज हमें कोई बैंक जो है लोन देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हमारी इरेगुलर सैलरीज हो गई हैं। हमें ये नहीं पता होता कि हमारे अगले महीने की 10 तारीख तक हमारी सैलरी आएगी या उससे भी दो महीने बाद आएगी। तो आज की डेट में एक बेसिक डिस्बर्समेंट ऑफ सैलरीज का इशू लेके हम सब सामने आए। दूसरा, मैं गवर्नमेंट से ये याद दिलाना चाहता हूँ अनबंडलिंग में जो वादे किए गए थे क्रिएशन ऑफ पोस्ट को लेके, हर एक को ये बताया गया था कि सर्कल बनाए जाएंगे, डिवीजन बनाए जाएंगे, कंज्यूमर्स को फायदा होगा, स्टाफ की सैंक्शन स्ट्रेंथ इंक्रीज की जाएगी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को रोल इन किया जाएगा, चीफ इंजीनियर्स की पोजिशन इंक्रीज होंगी, AWs की पोजिशन इंक्रीज होंगी, डाउन द लाइन स्टाफ इंक्रीज होगा, लेकिन ऐसा कोई भी स्टेप 2019 में अनबंडलिंग हुई और अभी तक ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लिया गया, जिसके खिलाफ हम आज बजट में भी बार बार ये कहना चाहते हैं कि क्रिएशंस को अप्रूव किया जाए। जो अनबंडलिंग का रियल ऑब्जेक्टिव था उसको सर्व करने के लिए जो भी स्टेप्स लेने हैं वो लेने पड़ेंगे। देखिए आज की डेट में हमारे जो कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए उसमें बाहर से नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन को लाया गया, लेकिन हमारे इंजीनियर्स को इग्नोर करके अभी भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभी भी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशंस खाली हैं। दूसरा, मैं बताना चाहता हूं क्या कसूर है मेरे डेली वेजर का कि वो 2018 से रेगुलराइजेशन के लिए इंतजार कर रहा है जब उसकी DPC हो चुकी है। मेरे श्रीनगर के भाई आज भी 2018 से रेगुलराइजेशन के लिए तरस रहे हैं जबकि उनकी DPC हो चुकी है। मेरे जम्मू के भाई डेली वेजर्स जिनकी DPC हो चुकी है उनके रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स इस अनबंडलिंग की वजह से रुके हुए हैं। मुझे बताइए जब अनबंडलिंग का जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया उसमें यह वादा किया गया कि आप सबके जो मौलिक अधिकार हैं, जो आपके राइट्स एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट है, जब तक ना हमारा आखिरी मुलाजिम रेगुलराइज होता है तब तक वो हक छीने नहीं चाहेंगे। तो आज की डेट में हमारे चीफ इंजीनियर्स अभी भी अनरेगुलराइज हैं। हमारे पिछले दो साल जब से अनबंडलिंग के पूरी ये कवायद हुई है तब से हमारी रेगुलराइजेशन जो है अभी भी किसी मुकाम तक नहीं पहुंची है और मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करना चाहता हूं
कि एक इतना बड़ा डिपार्टमेंट, आप यकीन नहीं मानेंगे, 4.5 लाख मुलाजिम हमारे स्टेट में, जो यूनियन टेरिटरी बनाई गई उसमें 30,000 मुलाजिम पीडीडी का मुलाजिम है, और आप इतना बड़ा 10% नियरली जो हमारा मुलाजिम है, अगर वो आज सफर कर रहा है स्टेट का, उनके साथ 3 लाख लोग, उनकी फैमिली जुड़ी हुई है, आप उनको सैलरी के लिए डिप्राइव करके कौन सा डेवलपमेंट का एजेंडा यहाँ पे जो है प्रोपगेट कर रहे हैं। दूसरा, मैं विजिलेंस कॉर्पोरेशन से भी, जो आज एंटी करप्शन ब्यूरो है, उनसे भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आप आज इमीडिएटली जब FIR रजिस्टर कर रहे हैं, आज हमारे किसी चीफ इंजीनियर के खिलाफ FIR रजिस्टर की गई, तो आप डायरेक्टली उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की तरफ जा रहे हैं, आप मीडिया में उसको रिलीज करके, अभी आपकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज हुई हैं सिर्फ, अभी आप अभी किसी कंक्रीट चलान तक नहीं पहुंचे हैं, और आपने मीडिया में सिलेक्टिवली रिलीज किया कि आप भी एक किस्म से जो है एक मीडिया गैलरीज को प्ले कर रहे हैं। किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन का राइट किसी के पास नहीं, आप कोर्ट में चलान को लेके जाइए, आप गिल्टी प्रूव कीजिए, उसके बाद मीडिया को रिलीज कीजिए। आपने अपने लेवल पे आज मीडिया में सर्कुलेट करके उस चीफ इंजीनियर और उसकी फैमिलीज को कितने स्ट्रेस और डिप्रेशन से गुजरने पड़ा है, इसके जिम्मेवार एंटी करप्शन ब्यूरो भी है।